अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर कॉपी वर्क ऑफ मैथ ग्रेड KG 2। ओपन द पेज नंबर 44। आज हम करेंगे सम्स ऑफ एडिशन। क्या करेंगे? सम्स ऑफ एडिशन यानी कि जमा के सवाल करेंगे। क्या करेंगे? जमा के सवाल। नाउ ओपन द पेज नंबर 45। नंबर क्या है? पेज नंबर 45। क्या कर रहे हैं? सम्स ऑफ एडिशन। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? सम्स ऑफ एडिशन। इसका मतलब एडिशन का मतलब है ऐड करना, जमा करना। हम कर रहे हैं जमा के सवाल। फॉर एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ है एंड नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब हमने क्या करना है? नंबर 3 में नंबर 4 को प्लस करना है, ऐड करना है, यानी कि जमा करना है। अब नंबर 3 हम लाइन से लगा लेंगे, 1 2 3, ठीक है, एंड 4 के आगे भी 1 2 3 4, 4 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब हम सबको मिला लेंगे, जमा कर लेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे एक साथ ही, 1 2 3 4 5 6 7। कितने आए? 7। नंबर 7 हम राइट कर लेंगे क्योंकि यही हमारा आंसर है, ठीक है, नंबर 7। हमने क्या राइट किया? नंबर 7। नेक्स्ट पे देखें, नंबर 2 एंड नंबर 6। नंबर 2 है, ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2। नंबर 6, ठीक है, 6 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम सबको एक साथ ही काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या राइट करेंगे? 8। क्या राइट करेंगे? 8। यस, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया? 8। नेक्स्ट नंबर है 8 एंड 1, ठीक है, 8 एंड 1। 8 के आगे 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 लाइन। अब सबको काउंट करेंगे, 8 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट वाली 9। क्या आया? 9। हमारे पास आंसर क्या आया? 9, नंबर 9। 8 में 1 प्लस करेंगे, क्या आएगा? 9। नेक्स्ट देखें नंबर 3 एंड नंबर 2। नंबर 3 के आगे 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, एंड नंबर 2 के आगे 1 2। अब सबको इकट्ठे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास आंसर क्या आया? 5, नंबर 5। 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5, ठीक है। ये अभी हमने किया सम ऑफ एडिशन के, अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं। नाउ ओपन द पेज नंबर 46। पेज नंबर क्या है? 46। अब हम करेंगे सम्स ऑफ एडिशन, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इसी तरह हम सम्स ऑफ एडिशन यानी कि जमा के सवाल कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 3 इन प्लस करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, 3 के आगे भी 1 2 3, हमने 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आया हमारे पास? नंबर 6। क्या आया? नंबर 6। तो हम ये राइट कर रहे हैं नंबर 6, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें नंबर 2 एंड नंबर 5। नंबर 2 के आगे 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2, एंड नंबर 5 के आगे 1 2 3 4 5। अब इन सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 7। क्या आया? नंबर 7। तो हमने ये राइट कर लिया, नंबर 7। नेक्स्ट देखें नंबर 3 पे जो क्वेश्चन दिया गया है, नंबर 8 है एंड नंबर 2, ठीक है, 8 के आगे 8 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड नंबर 2 के 2 लाइन्स, ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है? नंबर 10। क्या राइट करेंगे? 1 0 10। तो हम 1 लिख रहे हैं सबसे पहले, 1 0 10 होता है ना, तो अब 0 राइट कर लेते हैं, 1 0 10। क्या है हमारे पास? नंबर 1 0 10। नेक्स्ट पे देखें नंबर 3 एंड नंबर 5। अब हम करेंगे नंबर 3 एंड नंबर 5, ठीक है, नंबर 3 के आगे 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3, ताकि हमें काउंटिंग करने में मुश्किल ना हो। नंबर 5, ठीक है, 5 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? नंबर 8। नंबर 8 राइट कर लेते हैं। क्या आया हमारे पास? नंबर 8, ठीक है, हमने किया है सम्स ऑफ एडिशन, ठीक है। तो दोबारा से लिख लेते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 3 फर्स्ट पे दिया गया था, ठीक है, इन सबको काउंट किया, 3 में 3 प्लस करेंगे तो आता है 6। क्या आता है? 6। नंबर 2 पे देखें,
नंबर टू दिया गया है नंबर फाइव, ठीक है, टू में फाइव प्लस करें तो क्या आता है नंबर सेवन, हमारे पास आंसर क्या आया नंबर सेवन। फिर है नंबर एट एंड नंबर टू, एट में टू प्लस करेंगे तो क्या आता है आंसर हमें मिला टेन, वन ज़ीरो टेन, ठीक है। नंबर थ्री एंड नंबर फाइव, थ्री में फाइव प्लस करें तो क्या आता है एट, हमारा आंसर क्या आया नंबर एट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा काम सम ऑफ एडिशन का जो हमने किया वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छे से राइट कीजिएगा, खुद से काम कीजिएगा।